तो फ्रेंड्स अभी हम लोग करेंगे वर्तमान में कौन क्या है इस टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, अभी जितने भी आपका रिसेंट एग्जाम हुए, चाहे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, या फिर आपका अभी आरआरबी जेई, या फिर आने वाले आपका अपकमिंग रेलवे एग्जाम है, उसमें भी आपका पूछे जाएंगे और आपका 1 से 2 मार्क्स के इसके आपका फिक्स है, मतलब फिक्स है। तो आज मैं आपको कवर करूंगा वर्तमान में आपका इस मंथ यानी अगस्त तक में कौन क्या आपके पोस्ट से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको सारा कुछ इसमें बताने वाला हूं। तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग इसको हल्का से भी स्किप मत कीजिएगा, जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा में जो आपको नॉलेज दूंगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं आपको वो भी साथ में बताता चलूंगा, ठीक है। टोटल है यहाँ पास मैं आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन दिखाऊंगा, मगर जो मैं आपको एक्स्ट्रा में नॉलेज दूंगा वो आपका काफी ज्यादा होंगे, आप उससे बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति होता कौन है, तो भारत का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो होता है राष्ट्रपति, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रामनाथ कोविंद। अब यहाँ पर आपका एग्जाम में आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति कौन है, आपसे पूछा जाएगा कि 14th नंबर के राष्ट्रपति कौन है, तो आपका आंसर होगा रामनाथ कोविंद, क्लियर है। अब 14th नंबर की बात कर ली गई तो चलो पहले नंबर की भी राष्ट्रपति को देख लेते हैं। तो पहले नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आपको पता होना चाहिए रिसेंट में आपका एग्जाम में अब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कौन क्या थे, तो ये चीज़ भी आपको एक्स्ट्रा में पता होना चाहिए। तो पहले नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखो ये 14 नंबर के राष्ट्रपति है, इनसे पहले कौन थे, तो 13th नंबर के थे प्रणब मुखर्जी। अब मैं इनका नाम क्यों लिया हूँ, क्योंकि इनको हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और आपको पता होगा भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये भारत रत्न का पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। अब ये भारत रत्न से आपको जो सम्मानित किया गया तो 2019 में 3 लोगों को सम्मानित किया गया, एक तो आपका प्रणब मुखर्जी हो गए, दूसरा जो हो गए वो उनका नाम है भूपेन हजारिका, जो तीसरा जिनको मिला है उनका नाम है नानाजी देशमुख। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है खुद में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति की बात की गई है, तो एक क्वेश्चन आपका और इस तरीका से बनता है, आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो थी प्रतिभा पाटिल, जो कि आपके 12वें नंबर की थी। प्रणब मुखर्जी से पहले कौन थी, प्रतिभा पाटिल, जो कि आपका प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है, आपको केवल यहाँ से इतना जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा, इसको देखो यहाँ पर आपसे पूछा भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपसे पूछा उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर 3। अब ये कितने नंबर के उपराष्ट्रपति है, तो ये 13th नंबर के उपराष्ट्रपति है। अब यहाँ पर आपका पहले नंबर की भी बात करेंगे, तो पहले नंबर के जो आपके उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका बर्थडे पे हम लोग क्या मनाते हैं, टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, ये भी आपको एक्स्ट्रा में पता होना चाहिए, केवल इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ये रहा, यहाँ पर आपसे पूछा है भारत में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपसे पूछा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट में कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रंजन गोगोई, ठीक है। अब ये रंजन गोगोई कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, तो ये आपके 46th नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, इससे पहले दीपक मिश्रा थे, ठीक है, 45 नंबर के। अब बात कर लेते हैं पहले नंबर की, तो पहले नंबर के थे आपके एच जे कन्या, मतलब हीरालाल जे कन्या पहले नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, केवल आपको यहाँ पर इतना पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर आपसे पूछा भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मतलब आपसे पूछा चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेजेंट में कौन है ये बताओ, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सुनील अरोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है एक आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और आपका 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, तो अभी वर्तमान में आपका 2 चुनाव आयुक्त कौन है, मतलब अभी प्रेजेंट में आपका इलेक्शन कमिश्नर कौन है, 2, तो एक है आपका सुनील चंद्रा और दूसरा है आपका अशोक लवासवा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा में। अब यहाँ पर बात कर लेते जो पहले नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, तो उनका नाम था सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन आपके पहले नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो केवल आपको यहाँ से इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो यहाँ पर आपसे पूछा है भारत के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, मतलब आपसे पूछा है प्रेजेंट में
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पूछा है, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सुधीर भार्गव, जो कि आपके वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है। अब आपका यहां पर बात करेंगे पहले नंबर के कौन थे, तो पहले नंबर के जो थे वजहत हबीबुल्ला, पहले नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है। अब यहां पर देखो सुधीर भार्गव जो है आपका मुख्य सूचना आयुक्त, वो आपको 9 नंबर के है, ठीक है। 9 नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, सुधीर भार्गव, जो कि आपका वर्तमान में है, क्लियर है। यहां से केवल आपको इतना याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो यहां पर देखिए क्या बोला आपसे, भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, यानी आपसे पूछा है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रेजेंट में आपसे कौन है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, जो प्रेजेंट में आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो है आपका कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो ये आपको पता है यहाँ पर केवल इतना होना चाहिए कि प्रेजेंट में कौन है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अब इनका काम क्या है, तो ये आपका वित्त आयोग को सलाह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल इतना याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर आपसे पूछा वर्तमान में वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है, मतलब आपसे पूछा है कि फाइनेंस कमीशन कौन है आपका, बताओ प्रेजेंट में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई वी रेड्डी हो जाएगा। ये कितने नंबर के फाइनेंस कमीशन है, 14th नंबर के फाइनेंस कमीशन है। अब आपको पता होगा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन के हेड कौन होंगे, तो वो होंगे एनके सिंह, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिनका कार्यकाल 2020 में आपका शुरू होगा 1 अप्रैल से, ठीक है। अब आपका बात कर लेते हैं पहले नंबर के कौन है आपके फाइनेंस कमीशन के हेड, तो वो थे आपके केसी नियोगी, ठीक है। पहले नंबर के जो आपके थे वित्त आयोग अध्यक्ष वो थे आपका केसी नियोगी, क्लियर है। चलिए यहां से आपको केवल इतना जानना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहां पर आपसे क्या पूछा, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, मतलब आपसे पूछा है नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर प्रेजेंट में कौन है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अजीत डोवल। अब मैं बता दूं अजीत डोवल इनका कार्यकाल 2019 में खत्म होने को था, मगर इनको 5 साल और इनको कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यानी अब आपका ये 5 साल और आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम करेंगे, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते जो सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे वो कौन थे, तो ये थे आपके ब्रजेश मिश्रा, ठीक है, जो आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है वो सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपसे पूछा वर्तमान में महिला आयोग अध्यक्ष कौन है, मतलब आपसे पूछा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कौन है प्रेजेंट में। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड रेखा शर्मा, ठीक है। अब आपका पहले सबसे पहले की बात करेंगे तो सबसे पहले महिला आयोग अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी आपका जयंती पटनायक, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर वन में दिख रहा है, ये सबसे पहले महिला आयोग अध्यक्ष थी, ठीक है। चलिए यहां से आपको केवल इतना याद रहना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ये रहा, यहां पर आपसे पूछा है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, मतलब आपसे पूछा है 17th लोकसभा स्पीकर कौन है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ओम बिरला, ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेंगे फिर से फर्स्ट आपके मतलब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर होगा आपका जेवी मवलंकर, जो कि आपका फर्स्ट स्पीकर लोकसभा है। अब देखो जेवी मवलंकर को बोला जाता है कि जो आपके लोकसभा के फादर बोला जाता है इनको, मतलब फादर ऑफ लोकसभा, तो किनको बोला जाता है, जेवी मवलंकर को, मतलब आपका गणेश वासुदेव मवलंकर, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, मतलब आपसे पूछा है जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा कौन है प्रेजेंट में, ये बताओ। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी स्नेहलता श्रीवास्तव आपके प्रेजेंट में लोकसभा के महासचिव है, ठीक है। यहाँ से केवल आपको इतना याद रखना है, और मैं बता दूँ ये जो आपका स्नेहलता श्रीवास्तव है वो आपका प्रथम महिला में आपका लोकसभा के महासचिव बनी है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा, यहाँ पर आपसे पूछा है वर्तमान में राज्यसभा का सभी सभापति कौन है, मतलब आपसे पूछा है राज्यसभा के चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में। और आपको मैं बताना भूल गया पहले वाले में कि जो वेंकैया नायडू जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा का सभापति कहलाते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा वेंकैया नायडू, क्लियर है, ये याद रखिएगा। अब देखो ये राज्यसभा का सभापति हो गया मतलब चेयरमैन हो गया। अब एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाता है कि डिप्टी चेयरमैन कौन है राज्यसभा के, डिप्टी चेयरमैन कौन है राज्यसभा के, तो इसका आंसर होगा आपका हरिवंश सिंह होगा, ठीक है, ये आपका उप सभापति है राज्यसभा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
यहां पर आपसे पूछा है वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, मतलब आपसे पूछा है प्रेजेंट में आरबीआई गवर्नर कौन है बताओ, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी शक्तिकांत दास। अब ये कितने नंबर के गवर्नर है, तो ये आपके 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, अब आपका पहले नंबर की बात करेंगे तो देखो अब आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पहले नंबर का, तो क्वेश्चन में कंडीशन देगा अगर ब्रिटिश इंडिया की बात करेगा तो आपका पहला कौन होगा, आपका आरबीआई गवर्नर तो हो जाएगा आपका ऑसबोर्न स्मिथ ब्रिटिश इंडिया के समय के। अगर भारत में बात करेंगे तो इसका आंसर होगा सीडी देशमुख। ठीक है, तो कंफ्यूज मत खाइएगा, क्लियर है। चलिए यहां से आपको केवल इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहां पर आपसे पूछा है वर्तमान में एसबीआई अध्यक्ष कौन है, मतलब आपसे पूछा है प्रेजेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो बताओ इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर यहां पास हो जाएगा रजनीश कुमार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो ये रजनीश कुमार हो गया, अब यहां पास अगर मैं बैंक पर्पस से बात करूं तो बता देता हूं ये जो आपका एसबीआई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि एसबीआई का स्थापना कब हुआ है, तो ये आपका 1 जुलाई 1955 में हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, तो यहाँ से केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि जो अभी वर्तमान में है वो आपका रजनीश कुमार है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर आपसे पूछा है भारत के वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है, मतलब आपसे पूछा है प्रेजेंट में आपका इंडियन नेवी के चीफ कौन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा करमवीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये सुनील लांबा है, तो सुनील लांबा पहले थे, इनको हटा के यानी रिप्लेस करके कौन बने हैं, करमबीर सिंह बने हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये रहा, यहाँ पर आपसे पूछा भारत के वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अब देखिए आपको पता होगा हमारे तीन सेना है, कौन कौन, एक आपका नौसेना, एक आपका वायुसेना और एक आपका थल सेना, तो ये तीनों के चीफ के बारे आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करूँ वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बीएस धनोआ। ठीक है, ये आपका एयर चीफ है। अब यहाँ पर देखो एक आपका दिख रहा पहले नंबर ऑप्शन बिपिन रावत, तो ये कौन है, ये आपका थल सेना के प्रमुख है, यानी ये आपके हो गए आर्मी चीफ। अब अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया करमवीर सिंह, तो ये आपके कौन है, नौसेना के प्रमुख है, तो ये तीनों के बारे आपको पता होना चाहिए, नेवी चीफ है, क्लियर है। अब आपको साथ में एक्स्ट्रा में ये भी पता होना चाहिए इन तीनों के प्रमुख कौन होता है, इन तीनों के प्रमुख कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए इन तीनों के प्रमुख कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं यानी हेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो यहां पर आपसे पूछा है भारत के वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, मतलब आपसे पूछा है प्रेजेंट में फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है बताओ, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार। केवल आपको इतना पता होना चाहिए कौन है अभी आपका राजीव कुमार। अब देखो यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, एक तो आपका ऑप्शन नंबर बी ये कौन है, निर्मला सीतारमन, जो कि आपका क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, और यहां पर अगर देखोगे ऑप्शन नंबर थर्ड में अजय भूषण पांडे, तो ये कौन है अभी आपके वर्तमान में, तो ये आपका राजस्व सचिव है, मतलब रेवेन्यू सेक्रेटरी अभी आपके हैं प्रेजेंट में इंडिया के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन, यहां पर आपसे पूछा है भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, मतलब आपसे पूछा है फॉरेन सेक्रेटरी प्रेजेंट में अभी आपका कौन है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विजय केशव गोखले, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका प्रेजेंट में फॉरेन सेक्रेटरी है। अब देखो यहां पर एक आपका दिख रहा ऑप्शन नंबर ए में एस जयशंकर, जो कि आपको पता होना चाहिए ये अभी आपका वर्तमान में फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर है, तो ये आपको पता होना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर अभी आपका कौन है, एस जयशंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपसे पूछा वर्तमान में नीति आयोग अध्यक्ष कौन है, तो आपसे पूछा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो सबसे पहले यहां से आपका 2-3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड नरेंद्र मोदी, जो कि आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर है, क्लियर है। अब देखो ये तो आपके चेयरमैन है, अब आपका वाइस चेयरमैन की बात करेंगे तो राजीव कुमार हो जाएगा, वाइस चेयरमैन आपका राजीव कुमार हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है एक आपका सीईओ या तो फिर आपका अध्यक्ष पूछा जाएगा, तो सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत है आपका प्रेजेंट में सीईओ, वर्तमान में सीईओ कौन है, अमिताभ कांत, और चेयरपर्सन कौन है, नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे राष्ट्र मतलब प्रधानमंत्री है, और आपका जो आपका वाइस चेयरमैन की बात करेंगे तो राजीव कुमार है। और यहां पर आपको पता होना चाहिए जो नीति आयोग है ये किसको रिप्लेस की है, ये आपका प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आपका नीति आयोग आई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर नीति आयोग का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए,
तो ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, केवल आपको इतना पता होना चाहिए इसके बारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा है भारत का प्रथम लोकपाल कौन बने हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि इनका काम क्या रहेगा कि केंद्र में जो भी आपका भ्रष्टाचार का जिनके ऊपर आरोप लगता है उनका ये जांच करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पास आपका आज का ये मैं आपको क्वेश्चन वर्तमान में जो भी आपके जो थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे तो सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया, और इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये सारा को आपको एक से दो बार देखो और आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास मैं यह इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और चैनल पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।